नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए आलू मटर और गोभी की सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये गोभी है जिसको मैंने काट लिया अच्छे से। आलू है, इसको मैंने धो के छोटा छोटा पीस कर लिया है। धनिया की पत्ती है जिसको मैंने काट लिया है। एक प्याज है जिसको मैंने छोटी बारीकी कट कर ली है। और मटर है, और दो टमाटर है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये लहसुन और अदरक है जिसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये मिर्ची है जिसको मैंने हल्का सा काट के रख लिया है। और ये तेजपत्ता है तड़के के लिए। और ये इलायची है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल गरम हो रही है। अब तेल गरम हो गया, उसके बाद मैं गोभी को हल्का सा फ्राई करूंगी। हल्का सा उसको लाल होने पर फिर उसको हम निकाल लेंगे। क्या होता है कभी कभी आलू मटर गोभी की सब्जी बनती है तो गोभी गल जाती है, तो पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ की सब्जी है। इसलिए हमको सबसे पहले गोभी को फ्राई कर देना चाहिए। गोभी भुन चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए अच्छे से भुन गई है। भुनने के बाद मैं इसमें प्याज डालूंगी, और प्याज और आलू साथ में ही भूनना है ताकि दोनों अच्छे से भुन जाए। और इसमें मैं आलू डालूंगी और इसको हल्का सा चलाती रहूंगी, और गैस को थोड़ा तेज रखूंगी ताकि अच्छे से जल्दी से लाल हो जाए। दोनों साथ में भून के हल्का लाल होने के बाद मैं इसको निकाल लूंगी। आलू और प्याज लाल हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से लाल हो गई है। अब इसको हम निकाल के बर्तन में रख लेंगे। भूजने पे क्या होता है कि हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है और सब अलग अलग दिखेगा बनने के बाद। ये छोटी इलायची है दो या तीन, इसको हम तड़के में डाल देंगे। दो तेज पत्ता है, और थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे आधा चम्मच। उसके बाद एक चम्मच जीरा तड़के के लिए, और फिर इसको हम थोड़ा खटकने देंगे। देखिए हल्का सा खटक गया, लाल हो गया। इसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये भी अच्छे से लाल हो जाए। इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर। और इसके बाद हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, और इसके बाद हम इसमें एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाला। और हम मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए पक रहा है ना हमारा मसाला। अगर आपको पसंद हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। मिर्ची को पकाने के बाद हम इसमें दो टमाटर डालेंगे जिसको हमने अच्छे से पीस लिया था, और मसाले को अच्छे से पकाएंगे। और अच्छे से पकाते रहेंगे जब तक कि इसमें से तेल ना निकलने लगे पकने के बाद। और गैस को थोड़ा तेज रखेंगे ताकि अच्छे से जल्दी से पक जाए। ये मसाला अच्छे से पक गया है, और इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच नमक डालेंगे। क्या है कि मसाले में ही नमक पका देंगे तो मसाला अच्छे से पक जाएगा। इसमें हम नमक डाल दिए, ये पक रहा है मसाला। और इसमें हम अब हरा मटर डालेंगे ताकि मटर भी अच्छे से मसाले में भी पक जाए। देखिए पक रहा है। अब उसके बाद हम इसमें सब्जी भी डाल देंगे, जो हमारी गोभी थी कड़ी हुई, और आलू और प्याज सब एक साथ डाल देंगे। डाल के इसको चलाते रहेंगे हल्की आँच में,
यहाँ इसको धीमा कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि सब्जी सब अच्छे से आपस में मिल जाए मसाले में। देखिए सब अलग अलग दिख रही हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ही पानी डाल के पका लेंगे। और इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे और इसको हल्का सा चलाते रहेंगे। आँच को थोड़ा तेज़ रखेंगे ताकि पानी उबलने लगे। उसके बाद धीमा आँच करके हम इसको 10 या 15 मिनट तक ढक देंगे। सब्जी सब पकी है हमारी, बस इसको हल्का सा और पकना है, इसलिए 10 मिनट और तक और पकाएंगे। इसको हम ढक देंगे और धीमा गैस कर देंगे ताकि ये पके अच्छे से। अब हम इसको हल्का सा दबा के चेक कर लेंगे, सब्जी पक गई है, अब अच्छे से सब्जी तैयार हो गई है। इसको हम प्लेट, अब गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए निकालने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर से धनिया का पत्ती मिला देंगे, थोड़ा सा धनिया का पत्ती। अब ये सब्जी खाने के लिए रेडी हो गई है। अब इसको पराठे के साथ, पूड़ी के साथ और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।